उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बीच की तकरार सामने आई है। राजधानी स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर का मंगलवार को एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर ओम प्रकाश राजभर का एक पोस्टर नजर आ रहा है, जिसमें लिखा है कि ओम प्रकाश राजभर जी का समाजवादी पार्टी कार्यालय में आना प्रतिबंधित है। बता दें कि ये पोस्टर समाजवादी युवजन सभा के पूर्व सचिव आशुतोष सिंह की ओर से लगवाया गया है। आशुतोष सिंह ने बीती शाम को भी अपने फेसबुक पेज पर यह तस्वीर शेयर की थी। वहीं लोग इसे राजनीतिक स्टंटबाजी मान रहे हैं। इस पोस्टर पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता काफ़ी तनाव में हैं, उनकी बौखलाहट बढ़ गई है और वे काफ़ी बेचैन हो गए हैं। वहीं सुबह सपा की लोकप्रियता से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी घबरा गए हैं, जिसकी वजह से उनके कार्यकर्ता बौखलाहट में होर्डिंग और पोस्टर लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो मुसलमानों को कितनी हिस्सेदारी दी गई, इसलिए मुसलमान भी उनके कार्यालय में झांकना नहीं पसंद कर रहा है। इसलिए घबराहट में सपा कार्यकर्ता पोस्टर लगा रहे हैं, जिससे उनकी चिंता साफ नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर भाजपा प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा कि देश में लोकतंत्र है और सबको बोलने का अधिकार है, यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। अब तक आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाना सुना था, लेकिन समाजवादी पार्टी एक ऐसा दल है जो एक व्यक्ति पर प्रतिबंध लगा रहा है। ऐसे में सपा के संरक्षक मुलायम सिंह लोहिया जी और जनेश्वर जी की आत्मा देख रही होगी तो उन्हें बहुत अफसोस हो रहा होगा। समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेशन के शिकार में हो गए हैं, इनके अंदर बौखलाहट बढ़ गई है और ये बेचैन हो गए हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की लोकप्रियता से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी भी घबराए हुए हैं और उनके कार्यकर्ता भी बौखला करके अब होर्डिंग पोस्टर लगा रहे हैं कि प्रतिबंधित है। अरे मैं कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर चार बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही, मुसलमानों को कितना हिस्सेदारी दिया, इसलिए अब मुसलमान भी वहां कार्यालय में झांकना नहीं चाहता है। अति पिछड़े 38% अकेले हैं उत्तर प्रदेश में, चाहे वो पाल हो, प्रजापति हो, नाई हो, बंजारा हो, बारी हो, बहेलिया हो, राजभर हो, चौहान हो, बिंद हो, केवट हो, नाई हो, तमाम जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं इनको कितनी हिस्सेदारी भागीदारी दिया है समाजवादी पार्टी ने। अब ये सभी वर्ग के लोग इनसे नफरत कर रहे हैं, इनके कार्यालय झांकने को तैयार नहीं है, इसीलिए ये बेचैन होकर के होर्डिंग लगा करके उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये तो आरक्षक तक तो इनका प्रमाण है, ये हमेशा से गुंडागर्दी करते हैं, ये थाने में दलाली करने वाले लोग थे और ये अति पिछड़े दलितों का ये जमीन लूटने वाले थे। जमीन पर होर्डिंग लगा करके ये कहा करते थे ये मेरी जमीन है, अब यहां तुम्हारा कोई जगह नहीं है। जो जमीन लूटने वाले थे आज वो समाजवादी पार्टी कार्यालय पर होर्डिंग लगा करके ये संदेश दे रहे हैं कि हम अराजकता वाले हैं, हम गुंडागर्दी करने वाले हैं, हम पिछड़े दलित आदिवासियों को हिस्सेदारी देने वाले नहीं है, ये वंचितों के साथ अन्याय करने वाले लोग हैं और इसीलिए चाहे वो मुसलमान हो, चाहे अति पिछड़े हो, चाहे अति दलित हो, चाहे वंचित वर्ग हो, अब समाजवादी पार्टी के साथ जाने को तैयार नहीं है, इसीलिए वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से बौखलाए हुए लोग हैं। अब आने वाले समयों में इसी तरीके से इनका रवैया रहा, इसी तरह गुंडागर्दी रही तो जनता उत्तर प्रदेश की इनको समाप्तवादी बना करके उत्तर प्रदेश में छोड़ेगी। देश में लोकतंत्र है और संविधान है, सबको बोलने का अधिकार है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है कि आपस में संवाद रहना, मत भिन्नता हो सकती है। तमाम ऐसे आतंकवादी संगठनों को तो हमने देखा था कि किसी व्यक्ति से मत भिन्नता होने पर उस पर प्रतिबंध लगाना, गर्दन काट लेने की धमकी देना, लेकिन समाजवादी पार्टी एक ऐसा दल है जो एक व्यक्ति के ऊपर प्रतिबंध लगा रहा है कि हमारे कार्यालय में नहीं आ सकते। निश्चित रूप से लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी और स्वयं मुलायम सिंह यादव जी की आत्मा अगर देख रही होगी तो निश्चित रूप से अपने पुत्र की पार्टी पर दुखी हो रही होगी। यद्यपि अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो आतंकवादियों को छोड़ने की पैरवी करके हाईकोर्ट से डांट खा चुके हैं। लोकतंत्र के लिए अच्छा संदेश नहीं है।